गरियाबंद पुलिस द्वारा ग्राम पथरी थाना मैरपुर में किया गया सिविक एक्शन कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कप्तान द्वारा ग्राम पथरी के लोगों से हुए रूबरू, सुनी उनकी समस्याएं। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक श्री जे आर ठाकुर आज थाना मैनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पथरी में सिविक एक्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पथरी के जनता के बीच रूबरू होते हुए गांव की समस्याओं के बारे में पूछे। गांव की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा महिला कमांडो गठित करने की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि महिला कमांडो का गठित कर उनको निर्धारित साड़ी वितरण करें। चर्चा के दौरान तीन बालिकाओं के द्वारा हॉस्टल में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने की मांग रखी गई, जिस पर उन्हें हॉस्टल में रहने एवं कॉलेज में एडमिशन में सहयोग हेतु आश्वस्त किया गया। युवाओं को खेल के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ पढ़ाई में ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि गांव में अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी दें, जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। सिविक एक्शन के दौरान ग्राम पथरी के युवाओं को क्रिकेट किट एवं महिलाओं को साड़ी तथा बुजुर्गों को गमछा टी शर्ट वितरण किया गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि सिविक एक्शन कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस का जनता से जुड़ाव के साथ साथ ग्रामीण जनता को शासन की बहुमुखी योजनाओं के लाभ के बारे में बताना एवं युवाओं को समाज में आगे आने हेतु प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रेश सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी मैनपुर श्री अनुज कुमार एवं थाना प्रभारी मैनपुर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस उपस्थित रहे। इतेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। सिविक एक्शन को उद्देश्य बता दें, आज ग्राम पथरी थाना मैनपुर में गरियाबंद पुलिस के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें ग्राम पथरी और ठेमली आसपास के 4 से 5 गांव के ग्रामीण हिस्सा लिए और ग्रामीणों के उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा आज का कार्यक्रम सफल रहा। इसमें खास करके महिलाएँ ज़्यादा उपस्थित रहें और उनके द्वारा गांव में महिला संगठन गठित करने की मांग की, जिसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि गांव में महिला संगठन कर उनका रजिस्ट्रेशन करें। जी सर,